पढ़ चुके हैं कॉपरेटिव एनाटॉमी ऑफ हार्ट। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वेनस हार्ट के बारे में कि वेनस हार्ट क्या होता है। तो सबसे पहले ये जो टर्म है वेनस का मतलब है, वेनस का मतलब एक पॉइजन होता है, ठीक है। और यहाँ पे हार्ट से है तो इट मीन्स कि दो हार्ट विच इज फिल्ड फ्रॉम द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी वैसा हार्ट जिसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होगा, यानी वो हार्ट जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिल्ड होगा उस हार्ट को कहेंगे वेनस हार्ट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि दो हार्ट विच आर फिल्ड फ्रॉम डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कॉल्ड वेनस हार्ट, यानी वैसा हार्ट जिसमें सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फिल्ड होगा उसको कहेंगे वेनस हार्ट। तो अब वेनस हार्ट किस में प्रेजेंट होगा? तो वेनस हार्ट जो होता है वो पीसेस क्लास में प्रेजेंट होता है। पीसेस में ये हार्ट इस टाइप का प्रेजेंट होगा क्योंकि डीऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलेक्शन सिर्फ पीसेस क्लास में ही हो सकता है। बिकॉज इन हार्ट कलेक्शन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द कम्प्लीट बॉडी, क्योंकि यहाँ पर जो हार्ट है उसमें जो इम्प्योर ब्लड है यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पूरी कंप्लीट बॉडी का, वो आ करके हार्ट में आके प्रेजेंट होगा। और एक ही इसमें चूँकि पीसेस के क्लास में टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, पीसेस का टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो इसमें जो ब्लड है एक ही बार जाएगा, एक ही बार ब्लड आएगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टोर होकर के आएगा और इसमें सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है। पीसेस में कैसा होता है? सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है, सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है। तो अब हम लोग डायग्राम देखते हैं, डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि ये वेनस हार्ट क्या है। तो कुछ नहीं है, ये सिंपल जो हम पीसेस में क्लास में पढ़ते ना हार्ट वही हार्ट है। बस वेनस इसलिए बोल रहे हैं कि ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, सो इट इज कॉल्ड वेनस हार्ट। नाउ लेट्स सी द डायग्राम ऑफ वेनस हार्ट। इट्स हैविंग टू हेपेटिक वेन एंड टू डक्टस क्यूबराई। याद आ रहा है कुछ? These two are, these are hepatic vein and these two are ductus cuvarii. These are sinus venosus and these are auricle. These are ventricle. And from ventricle, conus arterios are connected. So these are the diagram of heart of pieces. ये fish के heart का diagram है कि fish में इस तरीके का सा heart होता है। ये इस तरह से pericardial muscle से घिरा होगा। ये पेरिकार्डियल मसल से घिरा होगा इस तरीके से, ये हो गया इसका पेरिकार्डियल मसल्स। तो पूरे जो कंप्लीट बॉडी है इसमें समझते हैं सर्कुलेशन क्या है। जो पूरे बॉडी है, पूरे बॉडी पे जो हिपेटिक वेन और डक्टस क्यूबराई है, इट कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द कंप्लीट बॉडी। ये क्या करेगा? पूरा कंप्लीट बॉडी जो है इसका जो पीसेस है उसका कंप्लीट बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, यानी कि वो उसको ले करके आएगा कहाँ? साइनस वेनोसस में लेके आएगा। साइनस वेनोसस से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आ चुका है वो यहाँ से ऑरिकल में आएगा, ऑरिकल से कहाँ आएगा? वेंट्रिकल में आएगा, और वेंट्रिकल से कोनस आर्टेरियस होते हुए जाएगा ये गिल चैम्बर। कहाँ जाएगा ये? यहाँ पे सर्कुलेशन पॉइंट दे देते हैं, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे ये गिल चैम्बर, ठीक है। यहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? कहाँ गया? गिल चैम्बर में गया, जहाँ पे इसको प्यूरिफिकेशन होना है। ब्लड में प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है?
इनहेल करता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड में ऑक्सीजन डिसॉल्व होगा, इसलिए ब्लड डीऑक्सीजनेटेड कहाँ पे होगा, गिल चैम्बर में। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर प्यूरिफिकेशन कहाँ जाता है, गिल चैम्बर में जाता है। अब यहाँ पे ये प्यूरिफिकेशन हुआ, जो भी होना है या प्यूरिफिकेशन हुआ, यहाँ पे प्यूरिफिकेशन होने के बाद ये कंप्लीट बॉडी में अपना ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ से प्योर ब्लड इसके बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये देखो कि जो पूरा हार्ट है इसमें कितनी बार ब्लड है, कितनी बार ब्लड आया, एक बार ही तो ब्लड आया ना, सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके यहाँ पे आया और इधर से उसके बाद का काम लंग्स किया, सॉरी गिल्स किया, गिल्स का प्यूरिफिकेशन हुआ, उसके बाद वो अपना पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो एक बार हार्ट में ब्लड का एंट्रेंस हो रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का एंट्रेंस हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, सिंगल सर्कुलेशन। क्या कहेंगे, सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड किसमें होगा, क्लास पीसेस में होगा। उसके बाद ये हो गया ऑक्सीजनेट, सॉरी डीऑक्सीजनेट, एक ही बार ब्लड का आया तो सिंगल सर्कुलेशन हो गया। और इसमें प्योर ब्लड कहीं पे देखे कि हार्ट में आ रहा है, प्योर ब्लड कहीं नहीं आ रहा, तो इसमें सिर्फ आ रहा है कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। इसमें सिर्फ आ रहा है कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, इसलिए ऐसे हार्ट को कहेंगे वेनस। क्या कहेंगे, वेनस हार्ट, इसलिए यह हार्ट कहलाता है वेनस हार्ट। यानी कि अगर हमारी पूरे बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का अगर थोड़ी देर के लिए सफोकेशन फील होता है तो कैसा लगता है, अब दम घुट जाएगा लगता है ना। अगर थोड़ी देर के लिए भी, एक मिनट के लिए भी, हाँ एक मिनट तो बहुत देर हो गया, एक सेकेंड के लिए हमारी बॉडी में अगर पूरे बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई होने लगे तो तुरंत ब्रेन फंक्शन करना बंद कर, ठीक है। और जैसे ही ब्रेन फंक्शन करना बंद किया और हार्ट भी तो फंक्शन करना बंद कर देगा ना, कि फिल्ट्रेशन तो होगा नहीं, प्यूरिफिकेशन होगा नहीं, कि प्यूरिफिकेशन हार्ट, हम लोगों के हार्ट में भी क्या है, एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड दूसरी तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड कब बनेगा, जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा डीऑक्सीजनेटेड ही रहेगा, तो पूरा हार्ट कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो क्या रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, तो हमारी बॉडी में भी कैसा सप्लाई होने लगेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसलिए बॉडी में पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल रखने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड का सप्लाई होना जरूरी है। तो ये प्योर ब्लड हमारे बॉडी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही अगर पूरे बॉडी में सप्लाई होता तो पीसेस जो है वो लाइफ नहीं रह सकता। तो यहाँ फिल्ट्रेशन का काम कौन कर, गिल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेशन कर देने का काम कौन कर रहे हैं, गिल चैम्बर कर रहा है। अब यहाँ से फिल्टर होकर के, प्यूरिफिकेशन होकर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंप्लीट बॉडी में सप्लाई होगा। ये होगा सिंगल सर्कुलेशन का ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो एक तरह से ये जहर ही तो है, पॉइजन ही हुआ ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस तरीके से हार्ट में होगा, सिंगल टाइम इस हार्ट से ब्लड पास करेगा, वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए ऐसे हार्ट को सिंगल सर्कुलेशन सर्कुलेटरी हार्ट या फिर वेनस हार्ट कहते हैं। और ये पीसेस, क्लास पीसेस में ही इस तरीके का हार्ट होगा। और ये हार्ट कैसा होगा, टू चैम्बर्ड हार्ट होगा। कैसा हार्ट होगा, टू चैम्बर्ड हार्ट होगा, सिंगल सर्कुलेशन हार्ट होगा, वेनस हार्ट होगा। ये शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आ सकता है, वेनस हार्ट या फिर आ जाएगा सिंगल सर्कुलेशन इन पीसेस, या सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, या सिंगल सर्कुलेशन, या वेनस हार्ट, या हार्ट इन स्कॉलियोड, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो एंट्रेंस कहाँ से करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में, हेपेटिक वेन और डक्टस पेटोराई से, पूरे बॉडी से कलेक्ट करके ये कहाँ पहुँचाएगा, साइनस वेनोसस में, यहाँ से ऑरिकल में आएगा, ऑरिकल से वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल से कोना सार्टेसस में, कोना सार्टेसस से गिल चैम्बर में, यहाँ प्यूरिफिकेशन होगा, पूरे बॉडी में सप्लाई होगा। अब दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि यहाँ पे एक दो तीन चार चैम्बर भी है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि इसमें टू चैम्बर हार्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली में इसमें टू चैम्बर हार्ट ही हो रहा है, टू चैम्बर हार्ट आर ओरिकल एंड वेंट्रिकल, दीज आर द टू चैम्बर ऑफ हार्ट, दीज आर द एक्सेसरी चैम्बर, यानी कि सहायक है ये, इसका जो है सिर्फ एक जगह से मतलब कलेक्ट करने का ही काम।
काम है और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो रियल में जो चैम्बर होता है हार्ट का वो टू चैम्बर हार्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल होता है। साइनस वेनोसस और कोनस आर्टेरियसस जो है वो एक्सेसरी चैम्बर है यानी सहायक चैम्बर है ना। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ ये सर्कुलेशन